टैलेंट्स। टुडे हम दिस वीडियो फॉर शहनाज़ गिल। बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या वो अपना ये लाइफ स्पैन ख़त्म करके अच्छे से मतलब सक्सेसफुल होके एक अच्छे उस पर मुकाम पे पहुंच करके तब वो जाएंगी या बीच में ही जो है सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने के लिए जाएंगी, ऐसा उन्होंने पूछा हुआ है। तो मैं ये प्रश्न रख रही हूँ कि वो अपना लाइफ स्पैन ख़त्म कर पाएंगी कि नहीं, या बीच में ही वो यहाँ पे शो हो रहा है, कि क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से मेरे आसपास चक्र भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज़ गिल क्या अपना पूरा लाइफ स्पैन ख़त्म करके जाएंगी। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नहीं तो नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि वो अपना लाइफ स्पैन पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगी। यस, अपना जो लाइफ स्पैन है पॉजिटिव कार्ड है, और ये इनको बहुत जनता से बहुत प्यार मिलेगा। इनको प्रोफेशनली यहाँ भी इशू कर रहा है, लेकिन इश्यूज हैं बहुत सारे, किसी से विवाद दिखा रहा है। लाइफ स्पैन तो ये कंप्लीट करके जाएंगी नो डाउट, और जो इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कंप्लीट करेंगी सक्सेसफुल। अपना थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, दिक्कतें हैं, स्ट्रगल है, लेकिन एंड मोमेंट पे जब ये जाएंगी तो एक जनता में प्यार छोड़ के जाएंगी, और जनता भी बहुत प्यार देगी इनको। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करके जाएंगी वो। और इससे मैसेजेस और देख लेती हूँ कि क्या वो सिद्धार्थ शुक्ला से लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद मिल पाएंगी। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि वो मिल पाएंगी सिद्धार्थ शुक्ला से, अपने बिलवड जो उनके रहे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यस, पॉजिटिव कार्ड है और फीमेल का ही कार्ड है। दैट फीमेल इज जस्ट लाइक अ गॉडेस। गॉडेस मतलब जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरों के दुख को एब्जॉर्ब करना, गॉडेस वो होती है, देवी वो होती है जो देती है, ये होती है। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में उसी से वर्ड निकला हुआ है, देवता या देवी जो देता है या देती है। तो ये इनका ये नेचर है, पॉजिटिव कार्ड है। शी विल मीट विद सिद्धार्थ शुक्ला। इससे मैं और मैसेजेस एंजल्स की तरफ से देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है। इसमें ये शो हो रहा है कि आफ्टर सेपरेशन, मतलब इनका जो सेपरेशन हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला से, तो मतलब सेपरेशन एज अ सेंस कि ये उनके एज अ सोल उनके साथ हैं लेकिन शरीर से नहीं है, ये बात मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। तो ये चीज़ सब जो यहाँ ये दिखा रहा है कि जो सेपरेशन हुआ उसके बाद ये बहुत इमोशनल रही, अपनी नई शुरुआत करने के लिए ये बहुत कोशिश कर रही है कि मेरा एक नया शुरुआत हो, लेकिन और चाहती भी हैं कि मेरा नई शुरुआत में बहुत अच्छे से एक अपनी चीज़ों को एनालाइज करना, जैसे कि अपने फील्ड में बहुत जो है माहिर होना, ये बहुत वो कोशिश करेंगी कि मैं सक्सेसफुल रहूँ। लेकिन बीस्ट का कार्ड है, बीस्ट सेल्फिश इंसान है जो इनसे फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा। ये ऐसा व्यक्ति जिसको खून चूसने में दूसरों का मजा आता है, परेशान करना, अगले जने को दिक्कत क्रिएट करना, सक्सेस होने में बाधा क्रिएट करना, वो व्यक्ति इनके परिवार में भी नज़र डाले रहेगा कि ये किससे जो है अपना परिवार बसाना चाहती हैं या किससे शादी करने के लिए कह रही हैं, सोच रही हैं, बहुत इसकी नज़र रहेगी। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, मैं पहले भी प्रेडिक्शन निकाल चुकी हूँ कि शादी को लेकर के इस इनको ऐसा तो ये नहीं करेंगी, अगर ये करती हैं तो बहुत मुश्किल होगी इनके लिए, प्रॉब्लम क्रिएट बहुत होगी। वही व्यक्ति जो है इनके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अपना तो शनास से मतलब निकाल लेगा और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये इनको शादी ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, और ये अपना लाइफ स्पैन कम्प्लीट करके सक्सेसफुल रहेंगी। बीच में स्ट्रगल हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, अप एंड डाउन्स बहुत हैं, तो उसको ये पार भी करेंगी नो डाउट, लेकिन लाइफ स्पैन ख़त्म करके तभी मिलेंगी। और ये सेपरेशन के बाद इमोशनल रहेंगी, नई चीज़ें शुरू करना चाहेंगी, लेकिन ये बीस टाइप का व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ कि मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज़ गिल अपने लास्ट मोमेंट्स में जब ये सिद्धार्थ शुक्ला से मिलेंगी जा करके, तो उस वक्त कोई बाधा तो नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नहीं तो नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। पॉजिटिव कार्ड है, ऑब्स्टिकल आएंगे बहुत।
इनके बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, और कोई थर्ड टू थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, कोई जना ऐसा है जो सेल्फिश इंसान है जो कि इनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के, कि तुम इसके बारे में क्यों सोचती हो ये सब। और इनको ही मैरिज लाइफ को लेकर, जैसे मैरिड वुमेन का कार्ड है, दैट मीन्स कि शादीशुदा जिंदगी को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहेंगी। ये व्यक्ति जो है, जो कोई भी है, ये इनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और लेकिन शहनाज चाहेंगी कि मैं शादी जो हूँ करूँ, चीज़ें मेरे हक में रहें, ये बहुत चाहेंगी कि मेरी शादी हो, लेकिन डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड। इनके उसमें नहीं दिखा रहा है कि ये कोई शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से जो है वो निभा पाएंगी, और एक बहुत अच्छा हस्बैंड होगा, और मतलब बच्चे इस तरीके से जो भी हो। फैमिली को लेकर के मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, स्ट्रगल बहुत है, बहुत कदम कदम पे स्ट्रगल है पर्सनल लाइफ को लेकर, उसी की वजह से केवल प्रॉब्लम है। अदरवाइज इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो बहुत अच्छी है इनकी, उसमें इसलिए तो लोग इनसे ज़्यादा जलते भी हैं, जलस का बहुत शिकार होती हैं। तो ये बहुत साफ मैसेज है एंजल्स की तरफ से। आई थिंक आपको मैसेज मिला होगा कि इनका मिलना संभव है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी ये मिलेंगी जाके, ये क्योंकि पिछले उसमें रीडिंग से भी आ रहा था दैट शी विल मीट, एंड मैरिज में ये शायद नहीं जाएंगे, बहुत इच्छा नहीं जताएंगे कि मुझे मैरिज करनी है, ऐसा कुछ भी इसमें दिखा नहीं रहा था। और मैरिज लाइफ में अगर ये अगर कर भी लेती है मैरिज, तो अगला जना केवल फायदा उठाएगा, और सब चीज़ें जो है वो डोर्स एंड विंडोज क्लोज हो जाएंगे मैरिज लाइफ को लेकर के, यहाँ ये शो हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे मैसेजेस, इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, 20 टाइप के व्यक्ति से भी इनको बचने के रहना चाहिए। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।